एयरपोर्ट पर हुआ नीना गुप्ता का अपमान। एक्ट्रेस को वीआईपी लाउंज में नहीं मिली एंट्री। मशहूर एक्ट्रेस के लिए वीआईपी लाउंज में नहीं थी जगह। दिग्गज अदाकारा होने के बावजूद नहीं दी गई वीआईपी लाउंज में एंट्री। एक्ट्रेस ने सुनाई अपनी आप बीती तो गुस्से में आ गए फैंस। एक बार फिर नीना गुप्ता से सुनिए कि कैसे एयरपोर्ट पर उनके साथ हुई बदसलूकी। लाउंज है जहां मैं जाके एक बार बैठी थी, लेकिन आज मुझे अलाउ नहीं, क्योंकि मुझे लगा ये रिजर्व लाउंज माने वीआईपी के लिए होती, तो मुझे लगा कि मैं वीआईपी हूँ, पर अभी तक वीआईपी नहीं बनी और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वीआईपी बनने के लिए। तो अच्छा है, इस बहाने मेहनत करूँगी वीआईपी बनने की। थैंक यू सो मच, थैंक यू फैसल। सुना ना आपने किस तरह बॉलीवुड की बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस नीना गुप्ता को एयरपोर्ट पर करना पड़ा स्टाफ की मनमानी का सामना। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता यूं तो अपने बोल्ड लुक की वजह से लाइमलाइट में बनी ही रहती हैं। वहीं अब एक बार फिर नीना सुर्खियों में छा गई हैं। लेकिन इस बार वजह उनका कोई बोल्ड स्टाइल नहीं, बल्कि उनके साथ एयरपोर्ट पर हुआ अजीब बर्ताव है। आखिर नीना गुप्ता जैसी नामचीन एक्ट्रेस को वीआईपी लाउंज में घुसने जो नहीं दिया गया, एक्ट्रेस आम लोगों के साथ बाहर बैठी रही। 64 साल की नीना के साथ ये बदसुलूकी यूपी के बरेली एयरपोर्ट पर हुई। वीआईपी लाउंज में उन्हें जाने से मना कर दिया गया। उन्हें कहा गया कि आप इतनी खास नहीं है कि आपको वीआईपी लाउंज में बिठाया जाए। एयरपोर्ट पर हुए इस अपमान का दर्द नीना गुप्ता ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर किया है। तो जैसे ही नीना का ये वीडियो फैंस ने देखा, वो एक के बाद एक कमेंट कर अपने रिएक्शन भी देते नजर आए। एक फैन ने लिखा, आपकी ईमानदारी के लिए आप हमेशा वीआईपी हो। एक यूजर ने लिखा, मैम आप दिल से भी वीआईपी हो हमारे लिए। तो एक और यूजर ने लिखा, आप कितने प्यारे हो यार। अब नीना के साथ एयरपोर्ट पर ऐसा क्यों किया गया? इस बात का जवाब तो एयरपोर्ट स्टाफ ही बेहतर दे सकता है, लेकिन नीना के फैंस उन्हें खूब सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर नीना की करें तो हाल ही में एक्ट्रेस उस वक्त मीडिया हेडलाइंस का हिस्सा बन गई थी, जब बीते दिनों नीना जमाने की परवाह किए बिना बोल्ड ब्लैक ड्रेस पहनकर एक पार्टी में पहुंची थी। इस ड्रेस के साथ उन्होंने बूट्स भी पहने थे। 64 साल की नीना को इस ड्रेस में जिस किसी ने भी देखा वो बस देखता ही रह गया। जहां एक्ट्रेस के फैंस उनके इस अंदाज की तारीफ कर रहे थे, तो वहीं नेटिजंस का एक खेमा ऐसा भी रहा जो उन्हें ट्रॉल करने से बाज नहीं आया। वहीं वर्क फ्रंट पर हाल ही में नीना गुप्ता को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मूवी लव स्टोरीज 2 में देखा गया था, जिसमें उन्होंने दादी का रोल प्ले किया था। इस सीरीज में उनके बोल्ड डायलॉग्स ने सभी को चौंका दिया था। इसके अलावा वो शिव शास्त्री बलबोआ और मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म में भी दिखी। तो अब नीना के पास कई और सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनमें वो लगातार काम कर रही हैं। वो फिल्मेकर अनुराग बसु की मेट्रो इन दिनों, 75 का छोरा, बा इश्क नादान और सबुन में नजर आएंगी। इसके अलावा वो प्राइम वीडियो की सीरीज पंचायत के तीसरे सीजन में भी दिखेंगी। कुछ वक्त पहले नीना ने इसकी शूटिंग का एक वीडियो भी शेयर किया था। फैंस भी पंचायत 3 को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।